बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करके इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया है। शाहरुख कम बजट वाले स्टार बनकर सामने आए थे। शाहरुख की फिल्में लगातार हिट होती जा रही थी। उस समय दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने करीब 60 करोड़ का बिजनेस किया था। पूरे देश में शाहरुख के फैन बन गए थे, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब वो छोटे पर्दे पर आने वाले विज्ञापनों में नजर आए। बताया जाता है कि शाहरुख को एड्स करने में कोई परेशानी नहीं थी। फिल्मों में काम करने के साथ पढ़ाई के दौरान उन्होंने कुछ एड्स भी बनाए थे। कुछ ही सालों में उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। शाहरुख कम पैसों में काम करने वाले सुपरस्टार थे। अनुपमा चोपड़ा की किताब शहंशाह बॉलीवुड के अनुसार जब आमिर खान एक एड के 7 करोड़ रुपए लेते थे, वहीं शाहरुख आधे दाम पर एड करते थे। फिल्में करना शाहरुख का शौक था और विज्ञापन से उनके घर की रोजी रोटी चलती थी। जैसे जैसे शाहरुख का स्टारडम बढ़ता गया, इंडस्ट्री ने शाहरुख के विज्ञापनों में काम करने का मूल्य 4 से 10 करोड़ तक कर दिया। एड के लिए सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले स्टार्स में अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर थे। 1998 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख ने कहा था, मुझे अपने बंगले के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रुपए चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मुझे रुपए चाहिए, उसके लिए मैं कोला भी बेचूंगा और निरोध भी। शाहरुख का मानना था कि ज्यादा दिखावे जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं ज्यादातर एक्टर्स इस तरह के विज्ञापनों को छोटे स्तर का समझते थे, क्योंकि इससे लगता था कि एक्टर के पास कोई काम नहीं है और उसकी चमक फीकी पड़ती जा रही है। लेकिन शाहरुख एक अकेले ऐसे सुपरस्टार थे जो निरोध बेचने तक को तैयार थे। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।